आविष्कार अभियान प्रोजेक्ट प्रदर्शन और कार्यशाला 2023 और कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधान पाठक पैंकरसर जी, उपस्थित क्यारा मैडम, अल्पू सर, साहू सर और प्यारे बच्चों, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य समग्र शिक्षा रायपुर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बारे में अभी आप लोगों को उतना जानकारी नहीं है, ये शुरुआत है। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में प्रदर्शन करना है। जैसा एक किट आप देख रहे हो, इसके बारे में अभी कुछ देर बाद आपको सर विस्तार से बताएंगे। इसमें विशेष रूप से विज्ञान और गणित, इन्हीं विषयों पर आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक शिक्षा आप लोगों को दिया जाएगा, जिससे कि आप विज्ञान के प्रति आप लोगों के बीच में रुचि बढ़ेगा और आप लोगों के मन में एक खोजी प्रवृत्ति विज्ञान के प्रति जागृत होगा। अभी आप लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया विज्ञान आधारित पर है, टेक्नोलॉजी आधारित पर है, तो हमको भी चाहिए कि हमारी सोच वैज्ञानिक हो, खोजी प्रवृत्ति का हो। जैसे आप लोग अध्ययन करते हो पाठ्यक्रम में, तो उसमें जो विषय वस्तु दिया रहता है विज्ञान का, उसमें प्रयोग दिया रहता है, वो प्रयोग को आप ऐसी किताबों में केवल पढ़ते हैं, उसको करके तो हम लोग नहीं देखते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि ये कैसे होता है। तो विज्ञान में जो प्रयोग होता है तो उससे वास्तविक ज्ञान मिलता है। वैज्ञानिक हमारे सामने जो सिद्धांत रखे हैं वो सिद्धांत ऐसा ही नहीं है, वो सिद्धांत प्रयोग करने के बाद जो उनको प्रमाण मिला है उसी प्रमाण के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, पहले परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना माने जानते हो, परिकल्पना माने क्या होता है? सोचना। सोचना, कल्पना करना, ठीक है, किसी विषय पर, किसी वस्तु पर अपना विचार या अपना सोच रखना, और उस परिकल्पना को बाद में क्या करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, है ना। प्रयोग के दौरान क्या होता है, अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। अवलोकन निरीक्षण करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं, फिर निष्कर्ष के आधार पर जो है उसका सिद्धांत देते हैं, सिद्धांत। और वो जो सिद्धांत होता है वो एकदम सत्य होता है, विज्ञान झूठ नहीं बोलता, ठीक है, विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, वो वास्तविकता पर आधारित होता है और सिद्धांत देते हैं वैज्ञानिक, और उसी सिद्धांत के आधार पर जो है वो सत्य माना जाता है, वो सत्य ही होता है।
उसी को हमारे किताबों में जो है रखा गया है जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास साधनों की कमी के कारण जो है हम उसको प्रयोग करके नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही पढ़ लेते हैं और कुछ समझ लेता है, हर कोई की बिल्कुल नहीं समझ पाता है ना। तो आप लोगों को विज्ञान में रुचि बढ़ाने के लिए, विज्ञान के प्रति उत्सुकता जागृत करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने ये अभियान चलाया है, आविष्कार, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इसी के अंतर्गत हमारे लिए जो विषय मिला है, ये देख रहे हो, शहरी क्षेत्रों की छतों में ड्रिप इरिगेशन पद्धति का उपयोग कर कृषि करने की पद्धति को लागू करवाना है ना। तो इससे पहले एक बात और, हमारे जशपुर जिले में ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे विकास खंड को ये मौका मिला है, पूरे जिले भर में हमारे कांसावल विकास खंड को ये मौका मिला है। और तो और हमारे लिए और बड़ी बात है, गौरव की बात है कि हमारे खलकू सर जो है, जो कमेटी जो समिति बना है हमारे पूरे जिले भर का, जो कांसावल विकास खंड में जो समिति बना है उसमें हमारे खलकू सर प्रमुख है। तो समझिए कि उसमें से फिर और हम नीचे आते हैं जमीनी स्तर पर, तो हमारे शंकुल बटाई केला, कितनी गौरव की बात है जशपुर जिले में ऐसा मौका मिला है हमारे लिए। और हमारे खलकू सर इसके प्रमुख हैं, इन्हीं के अगुवाई में, इन्हीं के देखरेख में, इन्हीं के पथ प्रदर्शन में हमारे जिले भर का, पूरे जिले का नेतृत्व होगा, ये जाएगा रायपुर तक। और हमारे खलकू सर देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं खलकू सर को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ, आने वाले समय में ये जो कार्य मिला है इसको बाखूबी करेंगे और हमारे जिले का, हमारे विकास खंड का, हमारे बड़े किला संकुल का नाम जो है रोशन करेंगे। और अभी ये जो आप लोग देख रहे हो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में हमारे खलकू सर बताएंगे। मैं खलकू सर को आमंत्रित करता हूँ, ताली बजा देवर। हमारे किसान पार्टी महोदय फायदर सर को आमंत्रित करूंगा, वे अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करेंगे। चलो शांति बनाओ। साहू सर, संजू सर, आपका बच्चे माइक को, आप सबको तो मालूम है कि आज यहाँ प्रदर्शनी हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी के लिए आज बादल रखा हुआ है, यह ये घर का स्वरूप है ना। जब हम घर बनाते हैं ना तो ये घर है, ये घर देखो कि नीचे घर है, ऊपर में छत है, छत के ऊपर में क्या बना हुआ है, बागवानी बना हुआ है। इसके बारे में पूरा डिटेल या ब्यौरा हमारे खलकू सर ने तैयार किया है, यह सब विज्ञान का देन है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग को अपने अपने घर में, सबका घर है तो अपने अपने घर में ऐसा हम लोग को प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो अब मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।
के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण ईश्वर का जो सिद्धांत उसको अपना सकते हैं वो लोग, है ना। लेकिन हमारे गांव देहात में क्या बहुत ज़्यादा बगान भी रहता है तो लोग उतना इससे परिचित नहीं है, लेकिन जिनके पास छत है वो लोग अपना सब्जी भाजी छत के ऊपर इस टाइप का पद्धति अपना करके क्या कर सकते हैं, लोग सब्जी भाजी या खुद ही उगा करके अपना खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है इस मॉडल में हम लोग सबसे पहले क्या लिए हैं, प्लाईवुड है ना, प्लाईवुड से पूरा अपन क्या कर लिया है, घर बना लिया है, ठीक है। अब नीचे देखो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक का डब्बा है इसको हम लोग क्या बना दिए हैं, एक कुआं बना दिए, ठीक है। कुआं या फिर क्या बोलते हैं सर इसको, बोर बोल सकते हैं, है ना, ढोड़ी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं पाइप की सहायता से, मशीन की सहायता से ऊपर उसको छत में चढ़ाते हैं। छत में भी एक टैंक रहता है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है, उससे हम पानी को जहाँ जहाँ क्या बोलते हैं सर इसको, सब्जी है, सब्जी मतलब गमला है ना, आजकल तो छोटा छोटा पैकेट भी आता है प्लास्टिक का, उसमें मिट्टी को भर करके उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन लगा करके उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्विच है, चालू हो रहा है ना, सबके पास ट्यूबवेल होगा, है ना, है कि नहीं, ट्यूबवेल बटन होता है, वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं तो पानी क्या हो जाता है ऊपर चढ़ता है, वेस्ट सिद्धांत इसमें भी लागू किया हुआ है। अब बटन ऑन करेंगे तो अपना काम ये करेगा, ऊपर चढ़ेगा पानी अंदर, ठीक है। जिसके पास पक्का मकान है वो लोग आराम से कर सकते हैं इसको, है ना, उसमें मेहनत उनत कुछ नहीं है। छोटा छोटा पैकेट आता है प्लास्टिक का, या फिर तुम लोग इस प्रकार से प्लास्टिक में जैसे मोटा रहता है उस प्लास्टिक में पानी भर करके, पानी नहीं मिट्टी भर करके उसमें खाद वाद लगा करके अपना मेथी लगा सकते हो, पालक लगा, अरे वो टपक वाला है नहीं, हाथ छोड़िए ना, शुरू में थोड़ा ज्यादा जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे टपक Thank you.